सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि आज ही हत्या में शामिल शूटर और साजिशकर्ता की रिमांड पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। गोगामेडी हत्याकांड में आरोपियों को जेल, एनआईए की स्पेशल कोर्ट का फैसला, 2 जनवरी तक सभी आरोपियों को जेल। पांच दिसंबर को जयपुर के श्याम नगर में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले शूटर और हत्या की साजिश रचने वाले सभी आरोपियों को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 2 जनवरी तक जेल भेज दिया है। सोमवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी सातों आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। मामले में हथियार सप्लायर आरोपी पूजा सैनिक की रिमांड अवधि पहले ही पूरी हो चुकी थी, ऐसे में उसे पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जहां से उसे जेल भेजा गया। सभी सात आरोपियों को एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर पेश किया गया था। पूरे मामले की कार्रवाई, जो फीडबैक था, अब तक की जो चार्ज रिपोर्ट थी वो कोर्ट ने देखी, तमाम केस डायरी को कोर्ट ने देखा। जो जज हैं एनआईए स्पेशल कोर्ट के, रविंद्र कुमार सेकंड, उन्होंने इस पूरे मसले की सुनवाई की है। पूरे मसले की सुनवाई के बाद में करीब 30 से 35 मिनट सुनवाई चली। सुनवाई में काफी दलीलें जो थी वो जो है वो कोर्ट के अंदर जो है जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से रखी गई। इसके अलावा जो आरोपियों के अधिवक्ता थे उनकी तरफ से भी बात रखी गई। कोर्ट ने इस मामले में शूटर रोहित राठौड़, नितिन फौजी, रामवीर जाट, उद्धम सेन, राहुल, सुमित, भवानी सिंह और रोनी, सात आरोपियों को पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 2 जनवरी तक जो है वो कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जो है वो जारी किए हैं। गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस ने शूटर रोहित और नितिन फौजी को उसके एक साथी के साथ चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। वहीं जयपुर में फायरिंग के बाद भगाने में मदद करने वाले शूटर नितिन फौजी के साथी रामवीर और गुरुग्राम की जेल से भवानी सिंह उर्फ रोनी राजपूत समेत 3 आरोपियों को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। विदेश में बैठे रोहित और वांटेड वीरेंद्र चारण के निर्देश पर गोगामेडी की हत्या का आरोप है। आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जो है वो ले जाया जा रहा है और लगातार ये कोशिश की गई। पूरी कड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच में एनआईए कोर्ट के अंदर आरोपियों की सुनवाई हुई और उसके बाद में सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात नकली नोट के डेवलपर की। झुंझुनू में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया के मुताबिक खुड़ानिया गांव का रहने वाला शुभम पेशे से वेबसाइट डेवलपर है, जिसे पुलिस ने नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर को डीएसटी टीम ने अमित नाम के एक युवक को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी पूछताछ में गैंग के दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद गैंग का सरगना शुभम जांगीर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि शुभम न केवल खुद नकली नोट छाप रहा था, बल्कि उसने अपने जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले अपने दोस्त सुरेंद्र कुमावत के अलावा रामापीर और हिमांशु सोलंकी की भी मदद काम में ली थी। पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। पहलुओं का गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। इस टीम के अंदर जो पूरी टीम थी वो पूरी कड़ी हमारे पास है, इनसे अब पृथक पृथक से पूछताछ किया जाना है और उपकरणों की बरामदगी किया जाना शेष है। ये इन्होंने अभी करीब 20-25 रोज से ही इन्होंने काम चालू किया है और शुभम के द्वारा ये पूरी रचना रची गई है और अभी अनुसंधान शेष है। अभी चूंकि प्रकरण 15 तारीख को दर्ज हुआ है, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी अग्रिम मुलजिम को लाने का, वो हम लेके आए हैं।
खबर अजमेर से है। ख्वाजा मॉडल स्कूल में ईआरएमएस भर्ती परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट को पकड़ा गया। ये मुन्ना भाई बायोमेट्रिक के जरिए पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ सिविल लाइन थाने में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी सिटी महमूद खान ने बताया कि 17 दिसंबर को ईआरएमएस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया और इसका केंद्र अजमेर के ख्वाजा मॉडल स्कूल रहा, जहां पर बायोमेट्रिक के जरिए उपस्थिति दर्ज की जा रही थी और इसी दौरान फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा गया। स्कूल प्रबंधन ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने ये अभियोग दर्ज करवाया है और उसके आधार पर इस मुकदमे को दर्ज करके कालूराम मीणा है, ये निवासी मेहंदीपुर बालाजी का है, जो दिलसुख मीणा स्वाईमाधोपुर निवासी है, इसकी परीक्षा देने के लिए बैठा था, उसके आधार पर ये मुकदमा दर्ज किया है। और चूंकि ये नया जो परीक्षा अधिनियम राजस्थान सरकार का है उसकी धारा 3/10 में, उसमें एडिशनल एसपी ही जांच अधिकारी होता है, अतः सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करके और जांच की जा रही है और जैसी भी इन्वेस्टिगेशन से कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। कौन है आरोपी, कहां का रहने वाला है? मैंने बताया ना अभी आपको, ये कालूराम मीणा निवासी मेहंदीपुर बालाजी है जिसको अभी डिटेन। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर। अजमेर के सीकर रोड स्थित नंदनम फ्लैट के बाहर निकल रहे मारपीट करने का एक मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए इस मामले